दुनिया भर के 81 देशों में ऑलमोस्ट 1,00,000 लोगों को संक्रमित करके कोरोना वायरस अब भारत में अपने पांव फैला रहा है। भारत में कोरोना के पॉजिटिव पाए लोगों की संख्या 30 हो गई है। कल दिल्ली से जुड़ता शहर गाजियाबाद के एक शख्स में कोरोना वायरस मिला है। उसने कुछ दिन पहले ही ईरान ट्रैवल किया था। गुड़गांव में पेटीएम कंपनी के एम्प्लॉय में कोरोना कंफर्म होने के बाद कंपनी को 15 दिन के लिए बंद कर दिया है। इस एम्प्लॉय ने छुट्टियां मनाने के लिए इटली ट्रैवल किया था। दिल्ली एजुकेशन एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी ने बताया कि कोरोना के लगातार तेजी से बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दिल्ली के सभी सरकारी, प्राइवेट और एमसीडी प्राइमरी स्कूलों को 31 मार्च तक बंद कर दिया। जैसे जैसे ये वायरस इंडिया में फैल रहा है, साथ साथ फैल रही हैं अफवाहें, जिनसे जरूरत है हमें अवेयर रहने की। आज मैं उन्हीं सब व्हाट्सएप मैसेजेस या फेसबुक पर शेयर किए जा रहे पोस्ट के बारे में बात करूंगी, जो बिना किसी बेस के सर्कुलेट हो रहे हैं, लोगों में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। गाइज, अगर मेरे द्वारा दी गई वेरीफाइड एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अभी के अभी प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी र्यूमर्स का पर्दाफाश करने के बाद वीडियो के एंड में बताऊंगी कि कैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फेसबुक और यूट्यूब के साथ कोलैबोरेट करके कोरोना पे फेक न्यूज और अफवाहों से लड़ने के लिए कदम उठाया, ताकि गलत इन्फॉर्मेशन वायरल ना हो सके। बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सबसे पहला र्यूमर, चिकन या नॉनवेज खाने से भी फैल सकता है कोरोना वायरस। सबसे पहली बात, चिकन या फिर पोल्ट्री का COVID-19 के साथ कुछ संबंध नहीं है। कुछ पिक्चर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बॉयलर चिकन में कोरोना वायरस पाया गया है और उस मैसेज के साथ बीमार मुर्गियों की तस्वीर है। अब जब इन पिक्चर्स के सोर्स को स्टडी किया गया तो पता लगा कि ये पिक्चर्स इंटरनेट पे कोरोना वायरस आउटब्रेक से पहले की हैं, और ये पिक्चर्स हैं पोल्ट्री बर्ड्स की, जिनमें वो ग्रस्त हैं रानीखेत नाम की एक बीमारी से। अफवाहों के कारण भारत की पोल्ट्री इंडस्ट्री में 80% तक की गिरावट देखी गई है। 80 से 100 रुपए केजी बिकने वाला चिकन 10 से 30 रुपए तक बिक रहा है। व्यवसाय से जुड़े रोजगार में भी काफी असर देखने को मिला है। लोगों में चिकन और मीट खाने के डर को कम करने के लिए WHO ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया है कि मीट प्रोडक्ट्स को आप सेफली कंज्यूम कर सकते हैं, बस जब आप उनको खाएं तो अच्छे से पका कर खाएं। दूसरा र्यूमर, चीन से आए होली के रंगों से फैलेगा वायरस। चीन में क्योंकि कोरोना वायरस का गढ़ है, तो इस होली चाइना से आने वाले रंग और पिचकारी इस्तेमाल ना करें। ये मैं नहीं कह रही, ये कह रहे हैं फेसबुक व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे पोस्ट। दोस्तों, इन वायरल हो रहे पोस्ट में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि वायरस को जीवित रहने के लिए एक अनुकूल वातावरण की जरूरत होती है। नॉन लिविंग यानी जो चीजें जीवित नहीं है, उनमें कोरोना वायरस नहीं फैल सकता। इसके साथ ही WHO ने अपनी वेबसाइट पर नोटिस भी लगाया है, उसके मुताबिक चाइना से आने वाले सामान या पैकेज सेफ हैं। अब चीन से इंपोर्ट किया गया कोई भी सामान आपको यूज करना है या नहीं, वो आपकी मर्जी। इंडिया में लंबे समय से चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की मुहिम चल रही है। आपका क्या मानना है, इंडिया अपनी जरूरत की चीज मैन्युफैक्चर करने के लिए समर्थ है? कमेंट करके जरूर बताना। तीसरा र्यूमर जो वायरल हो रहा है, वो आया है एक सेलिब्रिटी से। फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट किया कि कोरोना वायरस को क्योर करने के लिए वीड यानी कि गांजा का इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस ट्वीट में जो पिक्चर इस्तेमाल करी वो ऐसी लग रही थी मानो किसी न्यूज बुलेटिन की हो। ये पिक्चर तो फेक है ही, पर जो इन्फॉर्मेशन ट्वीट में लिखी गई है वो भी गलत है। डॉक्टर्स का कहना है कि मेरोवाना से कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हो सकता। इनका ट्वीट अमेरिका से इंस्पायर्ड लगता है, क्योंकि अमेरिका में 55 राज्यों में से 11 में इसका इस्तेमाल लीगल है और 33 राज्यों में मेडिकल पर्पस के लिए अलाउड है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गांजा और इससे जुड़े वीड्स का इंडिया में किसी भी रूप में इस्तेमाल करना अवैध है। अब अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होगी और लोग डॉक्टर्स एंड गवर्नमेंट के एडवाइस को छोड़कर इनको फॉलो करने लग जाएं, तो आप खुद सोचिए हमारी सेहत के लिए कितने खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब एक और वायरल मैसेज, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर हम एक बॉल ताजे लहसुन यानी कि गार्लिक को पानी में बॉयल करके पिए तो कोरोना वायरस से ठीक हो सकते हैं। ये सही है कि लहसुन हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, पर डॉक्टर्स ने अभी तक ऐसा कुछ प्रूफ नहीं किया है कि गार्लिक और कोरोना के वायरस का कोई लिंक है। ये साफ एक र्यूमर है। अब बात करते हैं कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फेसबुक और यूट्यूब के साथ मिलकर क्या कदम उठाया है। WHO ने मीटिंग की सभी सोशल मीडिया कंपनीज के साथ, ताकि इन्फोडेमिक्स यानी कि फैल रहे र्यूमर्स पर काबू किया जा सके। फेसबुक पर अगर आप कोरोना वायरस के बारे में सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आती है WHO की वेबसाइट,
ताकि लोगों तक रिलायबल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और जब आप YouTube करते हैं, जैसे कि अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में, तो वीडियो के बिल्कुल नीचे आप देखेंगे WHO की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। यहाँ आप जा सकते हैं COVID-19 को लेकर कोई भी जानकारी पाने के लिए। तो दोस्तों, आप ध्यान रखें कि जब भी आपके पास इस तरह के मैसेजेस आए तो एक बार के लिए रुकिए, सोचिए, वेरीफाई करें एंड उसके बाद ही उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करें, ताकि लोगों तक वास्तविक न्यूज ही पहुंचे। साथ ही ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब आप जरूर कर ही लीजिए। आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरी वीडियो पर या इंस्टाग्राम पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलो, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।